जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में विवेकानंद पर्वतीय भारत कृषि अनुसंधान द्वारा 48वां कृषि मेला आयोजित किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही आयोजित मेले में स्थानीय उत्पादकों की स्टॉलों को भी लगाया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली के वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार और सांसद अजय टमटा द्वारा किया गया। वह अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि भारत में कृषि का पूरे विश्व में अलग स्थान है और इसके लिए युवाओं को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मिल्ट्स को लेकर संस्थान द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा दी जा रही है, जिसे आज स्थानीय उत्पादकों की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये बड़ा अपने आप में सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये अपने आप में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और लगातार किसानों के बीच में उनको उन्नत प्रकार की कृषि के लिए मार्गदर्शन करता रहता है। और आज ये 48वें कृषि विज्ञान मेले के कार्यक्रम का मुझे भी आने का अवसर मिला। और जो हमारे वैज्ञानिक जो भी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो सीड्स पे है और आधुनिक खेती की तरफ को है, नई चीज़ें जो कल्टीवेट कर सकते हैं उसके लिए है, और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो एग्रीकल्चर की है, जैसे उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई लोग, उनको भी प्रेरित करते हैं। और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि किसान जो है वो डबल इनकम करे ना, युवाओं का बड़ा रुझान। आप देखें, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश में खेती अच्छी है, जिस देश का एग्रीकल्चर अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अच्छी है, वही देश निरंतर है, कोई भी देश। और भारत में तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे कृषि का है, जीडीपी और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तो आप देख रहे हो कि कई सारे कॉलेज खुल गए हैं, तो नई युवा पीढ़ी में कृषि के प्रति अच्छा रुझान है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा, सब आना चाहते हैं कृषि को, क्योंकि कृषि में आपको हर बार एक नई फसल पे काम करने का मौका मिलता है। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या काम करें क्या ना करें, तो युवा पीढ़ी को उसमें इंटरेस्ट है।